एक बार एक किसान था जो हर हफ्ते एक बेकर को एक पाउंड मक्खन बेचता था। कई हफ्तों तक किसान से मक्खन खरीदने के बाद बेकर ने सोचा कि मक्खन को तौल कर देखे कि यह सच में एक पूरा पाउंड है या नहीं। जब उसने तौला तो पाया कि मक्खन पूरा पाउंड नहीं था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। उसे धोखा महसूस हुआ और उसने किसान को अदालत में ले जाने का फैसला किया। अदालत में जज ने किसान से पूछा कि वह मक्खन को कैसे तौलता है। किसान ने जवाब दिया, मान्यवर, मैं गरीब हूँ, मेरे पास सटीक तौलने का कोई टूल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्केल है। जज ने पूछा, क्या तुम उस स्केल से मक्खन तौलते हो? किसान ने कहा, जी हाँ, मैं बेकर से एक पाउंड की ब्रेड खरीदता हूँ। जब वह ब्रेड लाता है, मैं उसे स्केल पर रखता हूँ और उतने ही वजन का मक्खन तौलकर उसे दे देता हूँ। अगर उसे मक्खन कम मिल रहा है तो इसका मतलब वह भी मुझे पूरा पाउंड ब्रेड नहीं दे रहा है। कहानी की सीख, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप किसी को धोखा दोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा। ऐसे ही और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।